हरे कृष्णा एवरीवन। नाउ हम देख रहे हैं यमुना रिवर। यमुना रिवर के बारे में हमने पहले डिटेल में देख रखा है, फिर भी वापस देख रहे हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं यमुना रिवर को। बाकी और पहले कहीं दिया हुआ है ये सब क्यों बना हुआ मालूम है? ये है लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ना, और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी करना है बुद्धि बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसको करते हैं क्लियर, है ना। और ये है यमुना रिवर। नाउ एक एक करके यमुना रिवर के बारे में पढ़ते हैं, 2 मिनट टोटल ख़त्म कर देंगे। कह रहा है कि लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। किसका लार्जेस्ट है और किसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तो ये देखते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होता है? गंगा की है, गंगा की। अच्छा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। हाँ, गंगा क्या है? गंगा मैंने पीछे के 2-4-10 वीडियो पहले के वीडियो में मैंने बताया हुआ है गंगा क्या है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ शुरू होता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है। बंदरपुच के पीक है, चोटी का नाम है बंदरपुच। और ये कहाँ है? तो गढ़वाल रीजन है। और गढ़वाल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ये इतना ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज़्यादा नहीं है। ये ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुच पीक से, गढ़वाल से। लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसका? तो गंगा का। एवरेज एलिवेशन क्या है? तो 6000 मीटर के आसपास एवरेज एलिवेशन है सी लेवल से। अब इसको इरेज करते हैं, बाकी इसको नोट डाउन कीजिए कि ये लार्जेस्ट है, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, नदी का नाम है यमुना रिवर, हेडिंग डालिए हैशटैग यमुना। मतलब 100-150 पन्ने का अगर मतलब नदी का नोट्स नहीं बना तो फिर क्या ही नोट्स बना नदी, है ना। मतलब 1000-1500 नदियाँ याद ही नहीं है भारत की, तो फिर मतलब भारत में रहना ही बेकार है। हम प्रेम करते हैं जी देश को। अच्छा, कैसे करते हो वो मत पूछो, हम बस करते हैं। चार नदियों का नाम तो याद होगा, वो ना है यार, नाम याद होगा भारत का 4-5, वो भी ना याद है तो फिर तो तुम्हारा प्रेम बड़ा जग जाहिर है भाई। इट कट अक्रॉस द नाग टिब्बा। कहाँ से निकलता है? नाग टिब्बा मसूरी शिवालिक, ठीक है। इन सब रीजन्स को काटते हुए बाहर आता है। क्या ये भी एंटीसीडेंट रिवर है? ये भी एंटीसीडेंट रिवर है। इट यूनाइट द गंगा नियर त्रिवेणी संगम अलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, है ना। त्रिवेणी संगम में यूनाइट होता है प्रयागराज के पास, ठीक है। अच्छा, टोटल लेंथ क्या है यमुना का? तो लगभग 1376 किलोमीटर तक है, 1376 किलोमीटर तक का है। इट क्रिएट्स द हाईली फर्टाइल एलुवियल यमुना गंगा द्वाब, ठीक है, जो कि इंडो गंगटिक प्लेन में है। तो एक फर्टाइल एलुवियल सॉइल का रीज़न बनाता है। फर्टाइल मतलब जहाँ एग्रीकल्चर बढ़िया हो सकता है। यमुना गंगा दो आपका रीज़न बनाता है, रीज़न बिटवीन इट्सेल्फ एंड द गंगा इनटू इंडो गंगेटिक प्लेन। अब ये इस एक तो यमुना और ये गंगा के बीच में जो रिवर है रीज़न है, रीजन मतलब क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। इंडो गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, इंडो गंगेटिक क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो गंगेटिक प्लेन। ओके, क्लियर। सो ये रहा यमुना रिवर सिस्टम। यमुना रिवर सिस्टम होता है ख़त्म। अब आते हैं, अब क्या आते हैं? अरे भाई भाई भाई, अब आते हैं चंबल पे, है ना। चंबल देखने से पहले हमें अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है। ओके, तो अभी क्या करना है? अभी अपने को लाइक करना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को भी शेयर करना है, चैनल को भी शेयर करना है अपने मित्रों के साथ। ये वाला दोनों बहुत ख़राब स्थिति है। मतलब 40 व्यू रहता है, 4 लाइक रहता है। ओके, हाँ ये तो बात है, हमने भी देखा है। और वो भी व्यू कितना रहता है? 10 मिनट। 20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट देखेंगे? अरे पूरा ही देख जाओ ना। ओके ओके, ठीक है सर, गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गया है, आज से नहीं होगा। शराब दे दूंगा, है ना, ऐसे ऐसे मत देखा करो। शराब दे दूंगा, एक बार में लगेगा फेल हो जाओगे जीवन में फेल हो जाओगे, एग्ज़ाम में नहीं, जीवन में। ओके चलो, आ जाओ चंबल रिवर के पास आते हैं। ऐसा कुछ ना, शराब वराब ना लगेगा किसी को, ठीक है, मेरा आशीर्वाद लगे, आशीर्वाद। तो आते हैं चंबल रिवर पे, तो बोलिए हरे कृष्णा। अगले वीडियो में चंबल रिवर पे आएंगे। हरे कृष्णा। यमुना रिवर ख़त्म होता है।